Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. और आज है Saturday. सबसे पहले तो guys, happy weekend. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me. अभी सुबह के 9 am हो रहा है. Saturday है तो मैं थोड़ा late ही उठती हूँ. उठने के बाद सबसे पहले मैंने नहा लिया मतलब just body wash किया क्योंकि कल रात को ही तो hair wash किया था. और आज थोड़ा जल्दी ही नहा लिया क्योंकि मैं जनरली थोड़ा लेट नहाती हूँ, मतलब दोपहर के टाइम पे नहाती हूँ. और अभी इतना ज़्यादा ठंडी है ना बाहर, मैं क्या बोलूँ. मतलब सुबह जब सो के उठी थी तब तो मैं वो जैकेट पहना था और पूरे घर का मैंने सारे विंडोज़ वगैरह बंद करके रखा है, फिर भी न जाने कहाँ से हवा आ जा रही है. तो मैंने फ़िलहाल सबसे पहले तो पूजा कर लिया है क्योंकि नहा के आ गई, तो मैंने सोचा चलो पूजा कर लेते. उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए रखा है, थोड़ा ब्रेड टोस्ट करने दिया है. देन थोड़ा सा मैं फ्रूट्स कट करूँगी, देन थोड़ा सा एग का कुछ बना लूँगी. यही मेरा आज का ब्रेकफास्ट है. और हितेश अभी ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो आज सो रहे हैं. सुबह तो मंडे टू फ्राइडे सुबह 5 बजे 6 AM को उठना पड़ता, तो सैटरडे संडे ट्राई करते कि थोड़ा लेट ही उठे. मैं भी जगाती नहीं हूँ. Tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. For a bar in the nearest town, I've never seen a sky so blue. We don't ever play it, and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like you. Look so beautiful, and I'm so lucky to be yours. अभी बहुत देर बाद एक्चुअली आप लोगों से मैं फिर से बात करी क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद थोड़ा सा टीवी देखा, देन मैंने एक वीडियो पूरा एडिट किया, तो उसमें 1.5 घंटा से ज़्यादा लग गया मेरा. तो मैं उसको अभी अपलोड करूँगी, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा आज वीडियो जाते आते. एनीवेज अभी मैं कुकिंग करूँगी, तो कुकिंग करने के लिए आज मैं एक दाल बना रही हूँ, मसूर दाल. वो बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी बट बहुत टेस्टी बनेगा. सिंपल तरीका है बट थोड़ा अलग स्टाइल. दाल बॉईल करते टाइम ही हल्दी नमक तो डालते ही है, उसमें मैं थोड़ा सा अनियन टोमेटो ग्रीन चिली डाल के बॉयल करूँगी. देन मैं थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में गार्लिक ड्राई रेड चिली एंड जीरा डाल के घी से, सिर्फ घी से, ऑयल नहीं, घी से मैं तड़का लगाऊँगी. तो ये खाने में ना काफ़ी अच्छा बनता है, थोड़ा एकदम लाइट दाल नहीं बनता, थोड़ा हैवी होता है. तो अभी हमारे यहाँ पे तो विंटर हो ही गया, अभी विंटर से थोड़ा ऐसा हैवी चीज़ खा ही सकते हैं. और एक चीज़ बनाऊँगी वो है पॉम्फ्रेट फिश. मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम पॉम्फ्रेट फिश खा नहीं रही हूँ, बहुत खाया बचपन से, बंगाली हूँ तो फिश तो खाते ही है. तो बट रेसिपी जो है वो मैं फर्स्ट टाइम पॉम्फ्रेट फिश घर पर बना रही हूँ,
थोड़ा सा रेसिपी शेयर करूँगी, बट देखते यार कैसा बनता है। आई होप कि अच्छा बने, बट हाँ मैं यूट्यूब देख के रेसिपी बना रही हूँ। मम्मी से मैं पूछ सकती हूँ, हम मम्मी एक टाइप का बनाती है कलौंजी डाल के, पूरा कलौंजी का पेस्ट बना के, बट आई एम श्योर कि हितेश को वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं बनाया। बट वो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट एक रेसिपी बंगालीज का, मतलब बहुत फेवरेट एंड बहुत टेस्टी वाला रेसिपी है वो। तो उसमें ना पता है कलौंजी और उसको क्या बोलते हैं, कलौंजी, ग्रीन चिली एंड गार्लिक का पेस्ट बनाते हैं एंड उसी से पूरा कुकिंग होता है एंड धनिया पत्ता ज़्यादा देते हैं। ओह माय गॉड, इतना टेस्टी बनता है ना गाइस, आप सोच नहीं सकते। वो रेसिपी किसी दिन मैं आपको ज़रूर बता दूंगी कैसे एग्जैक्टली बनाते हैं, बट आज मैं नॉर्मल प्याज टमाटर वाला ग्रेवी बना रही हूँ। पर मुझे ये वाला ग्रेवी इतना पसंद नहीं है, बट हितेश को पता है वो चीज़ इतना पसंद नहीं आएगा, तो मैं उसके लिए मेनली ये बना रही हूँ। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं। और मैं यहाँ पे खड़ी थी काफ़ी देर से, तब इतना हवा था ना, मतलब मेरा बाल पूरा इधर उधर बिखर रहे थे और मतलब हवा का ही पूरा साउंड कैमरा में जा रहा था, तो मैंने तब शूट शुरू करके भी बंद कर दिया। तो धूप काफ़ी है बट बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है। एनीवेज चलिए अभी कुकिंग करते हैं। थोड़ा सा मैंने प्रिपरेशन ऑलरेडी कर लिया है, चॉपिंग वगैरह का, दाल भिगो दिया है, तो अंदर चलते हैं अभी कुकिंग करते हैं। देखा कि मैंने पॉम्फ्रेट फिश को ऐसे मैरिनेट कर दिया है, थोड़ा सा सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड मस्टर्ड ऑयल। फिश बना रही हूँ तो डेफिनेटली मस्टर्ड ऑयल का ही मैं इस्तेमाल करूँगी, तो इसको ज़्यादा देर तक मैरिनेट नहीं करना है, 5-10 मिनट्स इनफ है, क्योंकि फिश ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट ही होता है। तो इसको मैं साइड पे रख रही हूँ। देन मैं मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन करके या एकदम हार्ड करके नहीं फ्राई करना है, उससे फिश का जो मेन ऑयल है वो निकल जाता है, उसका फ्लेवर भी चला जाता है। तो बहुत ही हल्का सा मैं फ्राई करूँगी। तो गाइज यहाँ पे मैं पॉम्फ्रेट फिश का करी जो ग्रेवी है वो बनाने के लिए एक पेस्ट बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें एक स्मॉल साइज का अनियन दिया है, एक टोमेटो, 5-6 गार्लिक क्लोव्स, एक ग्रीन चिली आपके टेस्ट के अनुसार जितना तीखा खा सके, और यहाँ पे थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना मैंने क्यूमिन सीड्स ऐड किया। अभी मैं इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी। देन मैं इसमें थोड़ा सा 2 टीस्पून योगर्ट ऐड करूंगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर एंड रेड चिली पाउडर भी ऐड करूंगी। और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है, और अभी मैं जो पेस्ट इसमें बनाया था वो पेस्ट इसमें ऐड कर दूंगी। मसाला इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है, नहीं तो कच्चा मतलब गार्लिक या अनियन का स्मेल रह जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। और अगर आपके पास घर पे फ्रेश कोकोनट हो ना, तो ये पेस्ट बनाते टाइम थोड़ा सा क्वांटिटी में कोकोनट भी ऐड कर देना, और भी ऑसम टेस्ट होगा। बट मेरे पास अभी कोकोनट भी नहीं है और कोकोनट मिल्क भी नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं ऐड कर पाई। तो गाइस आप देख सकते हैं मसाले से कितना अच्छे से ऑयल निकल आया, और अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी।
मॉर्निंग गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 5 PM और आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो गई हूँ, मतलब कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। जी हाँ, एक्चुअली आज का वेदर काफ़ी अच्छा है, तो सुबह से धूप भी है, तो नहीं एक्चुअली सुबह से थोड़ा सा पहले धूप था, देन क्लाउडी हुआ, देन अगेन ठीक है वेदर, तो हम लोग थोड़ा बाहर जा ही सकते। इस वेदर का तो डेफिनेटली फ़ायदा उठाना चाहिए, और ऊपर से आज तो है सैटरडे, वीकेंड में थोड़ा बाहर निकलना तो बनता है। तो हम लोग जा रहे हैं 2-3 जगह पे, तो पता नहीं पता है कहाँ जा रहे हैं, बट क्या करेंगे एग्जैक्टली नहीं पता। तो लेट्स सी कहाँ जाएंगे वो पता है, बट अभी नहीं बोलूँगी, बट लेट्स सी के क्या क्या करते हैं। जो भी करती हूँ मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हाँ, मैं रेडी हो गई हूँ, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक क्रॉप टॉप पहना है और एक जीन्स पहना है, शूज अभी तक नहीं पहना है, बाहर जाके पहनूंगी। और थोड़ा सा हल्का सा मेकअप, जस्ट आईलाइनर, काजल एंड लिपस्टिक एंड मेरा फेवरेट क्रीम, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो चलिए अभी चलते हैं बाहर, जाके मैं आप लोग के साथ फिर से बात करती हूँ। सो गाइज, मैंने सोचा क्यों ना निकलने से पहले एक बार बाहर का आज का वेदर दिखा दूँ। 2 दिन से तो मैंने सिर्फ आई थिंक बारिश, क्लाउडी वेदर दिखा, आज का थोड़ा दिखा देती हूँ। मौसम एकदम सुहाना है। सो गाइज, देख सकते हैं थोड़ा ही क्लाउड है, बट ये क्लाउडी नहीं बोल सकते, क्लियर स्काई है और धूप भी हुआ है काफ़ी अच्छा। सो गाइज, अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी जस्ट हितेश सो के उठे हैं, पहले वो रेडी हो जाए। आज मैं हमेशा कंप्लेन ये होता है कि मैं लेट करती हूँ, मैं हमेशा वेट कराती हूँ हितेश को। देखिए आज मैं फुल रेडी, वो अभी तक रेडी भी नहीं हुए, मैं रेडी होके ऐसे इधर उधर घूम रही हूँ, सोचा आप लोगों से ही बात कर लूँ। एनीवेज, चलिए, मेरा इवन बैग भी रेडी हो गया, मैं एकदम बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक हितेश रेडी ना हो जाए उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। About the irony of everything, I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance. कुछ इतना मतलब डिसाइडेड नहीं था कि मैं क्या लूँगी, कुछ और लेने के लिए लास्ट वीक आई थी तो वो तब नहीं पसंद आया, तो आज मैंने कुछ और ही ले लिया, तो देखते कैसा है। मुझे तो बहुत पसंद आया और मेरा एक बहुत ही फेवरेट चीज़ मैंने लिया, तो चलिए अभी बाद में मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। No telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head. So guys, अभी हम लोग होम सेंटर आए, कोरमंगला में ही है, तो यहाँ से एक दो चीजें लिया है, मैं घर जाके दिखाऊंगी कैसा है क्या है। तो आज सैटरडे है ना, मैं भूल ही गई थी, सारे शॉप्स वहाँ पे कैरेटलैंड में भी भीड़ था और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वही है, कभी भीड़ में थोड़ा सा डर तो लगता ही है ना, बट हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करें सो दैट इतना भीड़ जितना हो सका अवॉइड करें। और मैं थोड़ा बहुत कुछ देख रही हूँ कि थोड़ा बहुत नया कलेक्शन आया, स्पेशली एक ब्लश पिंक का जो कलर है ना उसमें कुछ नया कलेक्शन आया, और गोल्डन में कुछ न्यू कलेक्शन आया, तो वही सब चेक कर रही हूँ। तो
हम लोग का अभी होम सेंटर का भी शॉपिंग हो गया है, थोड़ा बहुत ही दिया है कुछ चीजें, कब से एक चीज चाहिए था वो चीज फाइनली दिया है। क्या लिया अभी नहीं बताऊंगी, घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी पूरा सेटअप करके चला के एकदम। और अभी हम लोग जा रहे हैं सोच में, कोरमंगला में ही सब, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम आजू बाजू ही सब है, तो सोच में जा रहे हैं। सोच में जाने का रीजन है एक्चुअली मैंने दिवाली एंड करवा चौथ का जब साड़ी वगैरह सब लिया था ना, तो कुछ ऐसा था कि कितना परचेस करने के ऊपर मुझे 1000 रुपीज का एक गिफ्ट कूपन मिला है, तो मैं उसको रिडीम करने के लिए जा रही हूँ। तो हमेशा ना मेरे साथ ऐसा ही होता है कि हमेशा इतने पैसे खर्चा करके सब सामान लेती हूँ, कभी भी गिफ्ट कूपन वूपन मिलता है बट मैं हमेशा मिस कर देती हूँ। तो इस बार याद रहा तो मैं सोचा चलो यार जब याद है और नजदीक सोच भी है तो मैं जाके कुछ लेती हूँ, देखती हूँ कुछ कुर्ती ही लूंगी एकदम सिंपल। मैं लाइट ऑन करती हूँ, अंधेरा लग रहा है ना। हाँ तो कुछ कुर्ती ही लूंगी एकदम सिंपल। यहाँ पे करो ना वो गाड़ी के पीछे ऑटो के आगे एंट्री है, तो मैं कुछ सिंपल ही कुर्ती लूंगी एकदम। लास्ट टाइम लिया था ना एक, ओके मैं उतर के बात करती हूँ। Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. So guys, मैं सोच में आ गई थी, तब एक्चुअली गाड़ी से उतरना था पार्किंग के लिए, से मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी अपनी बात। तो हाँ मैं कोरमंगला के सोच में आई, दो कुर्ती लिया है और ऑफकोर्स डिस्काउंट कूपन था इसीलिए नहीं लिया, नहीं तो मैं कुर्ती ये सब इतना पहनती नहीं हूँ विदाउट कोई फेस्टिव सीजन, तो ले लिया। और काफ़ी अच्छा था, मतलब ऐसा लाइट वेट भी है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। चलो मैं घर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सो गाइज अभी हम लोग घर पे आ गए हैं और मैंने बोला था ना मैं होम सेंटर से कुछ कुछ चीजें लिया है, एक मेन चीज इम्पॉर्टेंट चीज लिया है वो है एक वाटर फाउंटेन। हम लोगों को मतलब बहुत टाइम से लेना था बट होता है ना कोई ये थोड़ा बहुत पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आज एक देखा काफी अच्छा था, एकदम न्यू था ये, पहले पुराने जो कलेक्शन थे उसमें से एक भी हम लोग को पसंद नहीं आ रहा था, तो ये बहुत ऑसम है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे इंस्टॉल भी करते हैं। सो गाइज ये जो है ना ये बोल टाइप का ये इसका बेस है और इसमें एक्चुअली पानी ऐड करना है। गाइज यहाँ तो एक मैनुअल दिया है, पहले मैंने देखा नहीं था, तो अभी देखते हैं उसमें कैसे है। हाँ पूरा ऐसा ड्रॉ करके दिखा है कैसे ऐड करना है। ओके गाइज तो मैनुअल देख के ये सेटअप कर लिया है, बहुत इजी था एक्चुअली, पहले हमको समझ नहीं आ रहा था कैसे करना है बट मैनुअल देखने के बाद बहुत ही इजीली कर दिया। और ये है इसको अभी धीरे से यहाँ पर फिट करना है, मैं इसको भी ऑन करके दिखाती हूँ। सो गाइज ये देखिए कितना मस्त है ना, बहुत ऑसम लग रहा है। मैंने ये वाला एक वास लिया बट इसके लिए मैंने कुछ फ्लावर नहीं लिया क्योंकि वो शायद से मैं देख के लूंगी यहाँ से होम सेंटर में, मुझे इतना ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया था तो शायद से मैं अमेजन वगैरह कहीं से मंगवाऊंगी, तो ये भी काफी अच्छा है। ओके सो गाइस आप लोगों ने देखा ये वाला लिया, बहुत ज्यादा अमेजिंग है, हम दोनों को बहुत कब से पसंद था, ये लेना था फाउंटेन बट इतना डिजाइन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो आज ये पसंद आ गया तो हम लोगों ने ले लिया। ओके अभी मेन पॉइंट पे आते हैं, मैं बताती हूँ कि कैरेटलिन में क्यों गई थी और वहां से क्या लिया। जो भी लिया था ऑलरेडी मैं पहन चुकी हूँ, वहां से मैंने ये एक ब्रेसलेट लिया है, आप लोगों को मैं ठीक से अच्छे से दिखाती हूँ बाद में। ये एक डायमंड का ब्रेसलेट है तो ये वाला मैंने लिया है, ये मत सोचना कोई ओकेजन या क्या फेस्टिवल के लिए लिया, कुछ नहीं बस होता है ना समटाइम्स पति बहुत खुश हो जाए अगर अपनी पत्नी पे तो ऐसा कुछ अच्छा चीज मिल जाता है, तो यही। तो बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा न्यू ब्रेसलेट, और ब्रेसलेट मुझे बहुत पसंद है पहनना, तो जरूर कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा न्यू ब्रेसलेट। तो आप लोग देख सकते हैं अभी मैं फ्रेश होके आ गई हूँ, और हाँ जो सोच से दो कुर्ती लिया था ना वो मैं आज दिखाना पहले एक्चुअली भूल गई थी, फ्रेश होके आ गई अभी मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि उसको देख सकते हैं वहां पे क्वारंटाइन के लिए रखा है, वो मैं कल के व्लॉग में आप लोग साथ शेयर करूंगी। एक दिन एटलीस्ट हाथ नहीं लगाना है तो ऐसे रख दिया है, तो बस यही था आज का व्लॉग जिसको मैं सुबह से शुरू किया था। आई होप कि आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, और बताना जरूर कमेंट करके कि मेरा जो आज का गिफ्ट था वो कैसा लगा आप लोगों को, तुमको कैसा लग रहा है गिफ्ट देख के, अच्छा लग रहा है।
अरे चलो, मेरे पति बहुत अच्छे ऐसे कभी बोलेंगे नहीं कि गिफ्ट देके अच्छा नहीं लग रहा, उनको बहुत अच्छा। अभी देखो मैंने, मुझे गिफ्ट मिला, मुझे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा ही ना। तो एनीवेज गाइस, मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज के वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, एंड अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो उस बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर देना, तभी जाके आप लोगों को मेरे सारे न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आप मेरे वीडियोज को देख पाएंगे। सो गाइज, मैं आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।